देश का लगभग 40 दिन का चुनावी यात्रा का आज अंतिम दिन है। आज पूरे राज्य में मतगणना का कार्यक्रम चल रहा है। कई चीजें अस्पष्ट हो चुकी हैं, कुछ चीजें अस्पष्ट होनी बाकी है, और जो अभी तक चुनाव मतगणना का रुझान आया है, उस रुझान के माध्यम से झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया है, जो इस राज्य को स्पष्ट जनादेश दिया है, इसके लिए मैं राज्य के मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। निश्चित रूप से आज का यह जीत कई मतदाता हमारे झारखंड के लोगों के लिए उत्साह का दिन तो है ही, लेकिन मेरे लिए आज का दिन एक संकल्प लेने का है। इस राज्य की जनता का, यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लेने का दिन है, और आज का ये जनादेश मुझे लगता है आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के परिश्रम और समर्पण का ये परिणाम है। जिस उद्देश्य के लिए ये राज लिया गया था, आज उन उद्देश्यों को पूरा करने का वक्त आ गया है। निश्चित रूप से आज हम इस राज्य में महागठबंधन के तहत चुनाव लड़े, जिसमें हमारे साथ शामिल कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग और जेएमएम ने मिलकर लड़ा। मैं इसके लिए भी आदरणीय गुरु जी को, आदरणीय लालू जी को, आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय प्रियंका जी को, कांग्रेस के सभी जो राज्य पे नजर लगाए हुए थे, जो प्रभारी के रूप में थे, कार्यकर्ता के रूप में थे, सभी दलों के लोगों को भी मैं बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया। और आज राज्य की जनता ने इस राज्य को एक स्पष्ट बहुमत दिया है। साथियों, विगत लगभग 40 दिनों से आप सभी मीडिया के बंधुओं ने इस राजनीतिक घटनाक्रम का, इस चुनाव के हर पल पर नजर रखा, और एक एक खबरों को आप लोगों ने राज्य की जनता से देश की जनता तक पहुंचाने का काम किया। आप सभी लोगों को भी मैं देश के और राज्य के चौथे स्तंभ के रूप में इस कार्य में अपनी भूमिका निभाने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इतने ठंड में भी, इतने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा जा करके अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग ली, और
राज्य की जनता तक अपनी बातें पहुंचाई। आज निश्चित रूप से एक नया अध्याय शुरू होगा इस राज्य के लिए, और इस राज्य के लिए यह अध्याय, यह वक्त जो होगा, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और निश्चित रूप से जिस उम्मीद के साथ लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है, मैं भरोसा दिलाता हूं कि उनकी उम्मीदें नहीं टूटेंगी, चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय के हो, चाहे नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, व्यापारी हो, बूढ़े बच्चे हो, किसान हो, मजदूर हो, या सभी आप पत्रकार मित्र भी क्यों ना हो, क्योंकि आपकी भी, आप भी एक हिस्सा है लोकतंत्र के। और मैं आज, चूंकि ये समय ऐसा आज दिन भर का बिता कि आज हमारे गठबंधन साथी अभी हमारे साथ नहीं है, और बहुत लोग असेंबल भी हो रहे हैं, और बहुत जल्द आगे की रूपरेखा के विषय में हम लोग गठबंधन दल मिलकर बैठकर तय करेंगे कि आगे की रणनीति, आगे की कार्रवाई कैसी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कम सीट पे लड़े फिर भी आपका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहा और सिंगल राजेश पार्टी बने, तो क्या आपको लगता है कि क्यों आपको ये जीत मिली बीजेपी के खिलाफ, क्या कारण रहे? मैंने कहा ना, अभी हमारे गठबंधन साथी हमारे साथ नहीं है, ये एक, चूंकि आप लोग बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहे थे, मैं भी परिणामों का इंतजार में था। अभी मैं अपनी बातें यही खत्म करना चाहूंगा।